नमस्कार लीड स्टोरी को आपको स्वागत करुच्ची मु अविनाश। लीड स्टोरी आज एक अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना। करोनार द्वितीय पर्याय संक्रमण बढ़ी बढ़ी चलता बेले करोनार टीकाकरण देश में बढ़ी चलती, किंतु 18-44 वर्ष वयस्क टीकाकरण वर्तमान समय पखापाखि 80% रु अधिक कमी जाइछि। पखापाखि 13-14 राज्य में टीकाकरण बंद हवा उपरे कारण पर्याप्त परिमाण टीका आसुना। एभली स्थिति आज एक भल खबर आसी पिला टीका मिल एवं पिलांक उपरे टीकार परीक्षण पाई आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी जहाँ भारत सरकार रही अनुमति प्रदान करिसेंती भारत बायोटेक को बा कोवैक्सीन प्रस्तुत करुथिबा कंपनी को, जहाँफल आगामी दिन में जो तृतीय पर्यायर संक्रमण जितेबाला आसीब ए तृतीय पर्याय संक्रमण में सबुठ अधिक प्रभावित होबा पाई आईसीएमआर जो आशंका करुथिला पिला बा ए जो 2-18 वर्ष वयस वर्ग संभवतः सेमानंकु रोका जाय पारिबो एवं एहा एक संजीवनी भाव में कार्य कर। विस्तृत भाव में प्रसंग आज आलोचना करिबा एथर पिला भी मिल टीका। करोनार नुआ संक्रमण रु पिला रोकवाप एक प्रयास आरंभ कर प्रयास रे विस्तृत भाव में क्लिनिकल ट्रायल पर भारत बायोटेक प्रस्ताव को विशेषज्ञ कमिटी अनुमोदन प्रदान करती। कौन कौन अच्छी विस्तृत भाव में बर्तमान सुधा सूचना ताऊपर प्रथम नजर पकड़ ना। करोनार नुआ संक्रमण रु पिला रोकवाप प्रयास 2-18 वर्ष बयसर पिलाब टीकार ट्रायल ए संपर्क में भारत बायोटेक प्रस्ताव रही। कोवैक्सीन रो क्लिनिकल ट्रायल पर भारत बायोटेक रो प्रस्ताव को अनुमति दिया जाएगी। भारत बायोटेक रो प्रस्ताव को विशेषज्ञ कमिटी अनुमोदन करिसेंती। फेब्रुवरी मास रे माने प्रस्ताव देते द्वितीय और तृतीय पर्याय हेबो पिलांको टीकार परीक्षण जहाँ पाखापाखि 5-6 मास समय लगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी भारत में ट्रायल पर वर्तमान ह्यूमन ट्रायल पर अनुमति देती 2-18 वर्ष बयसर पिला ट्रायल तीनोटी एम्स ट्रायल हेबो प्रारंभिक पर्याय द्वितीय और तृतीय पर्यायर परीक्षण पर जदि सफलता है एवं देखा गला जे टीका कोरोना विरोध में बड़ काम करुच्चे वास्तविक व्यवहार करा विभिन्न टेस्टिंग केन्द्र में यह टेस्ट कर 525 जन स्वेच्छासेवी 525 सब्जेक्ट रे को टेस्ट कर। महाराष्ट्र मेदित्रिना मेडिकल कॉलेज ह्यूमन ट्रायल हेबो ता सहित दिल्लीर एम्स हेबो पुणे सेठी मध्य करा जिवो एवं आईसीएमआर और भारत बायोटेक वर्तमान कोवैक्सीन प्रस्तुत करुछंती। उभय आईसीएमआर और भारत बायोटेक रो कोवैक्सीन विभिन्न राज्य में वर्तमान दि जाऊँगी 18 वर्ष अधिक वयस्क लोक पिला परीक्षण समय सुरक्षा को अधिक गुरुत्व दि जाऊँगी। पिला शरीर यह किभली कम करुच्चार तर्जमा मैंने करेंगे केते दूर यह पिला शरीर में कम करुँ फेब्रुआरी पिला परीक्षण नहीं भारत बायोटेक प्रस्ताव देता ता पूर्व 12-18 वर्ष पर्यंत पिला टेस्ट कर। फेब्रुआरी 24 में विस्तृत क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल दाखल पर निर्देश दिया जाइतिला आउ एहा परे भारत बायोटेक एक्सपोर्ट कमिटी पाखरे प्रोटोकॉल दाखल करिछि। सेबडा अमेरिका रे 12-15 वर्ष बयसर पिलांकु फाइजर टीका देबो कारण फाइजर रो टीका वर्तमान 12-15 सेमानंक पय अनुमति मध्ये मिलिछि। फाइजर रो परीक्षण को गतकाली अमेरिका रो बाइडेन प्रशासन अनुमति देइछंती। गत एप्रिल 24 तारिख रे पाखापाखि गत एप्रिल 24% पिला विश्वव्यापी संक्रमित होता नहीं डब्ल्यूएचओ सूचना देती है। एवं भारत बायोटेक परीक्षण सारा विश्व में नुआ आशा संचार करण यह प्रथम वैक्सीन बा वैक्सीन प्रस्तुतकारी कंपनी भारत बायोटेक एपर्यंत 2 वर्ष रु 12 वर्ष रु तलकू और 2 वर्ष रु अधिक पिला कहीं भी परीक्षण करना। जॉनसन एंड जॉनसन ट्रायल प्रोसेस रे रही आवेदन करते फाइजर केवल 12-15 पर्यंत जो वयस वर्ग रही ट्रायल कर। एवं भारत बायोटेक फेब्रुआरी पूर्व एमाने 12 वर्ष रु कम बयसर पिला क्लिनिकल ट्रायल करते 12 वर्ष रु अधिक 12-18 ता परवर्ती समय एमाने एबे प्रस्ताव मांगी जे द्वितीय और तृतीय पर्यायर ट्रायल पर जहाँ को अनुमति दि जाए। ए प्रसंग में जे वरिष्ठ विशेषज्ञ अच्छा डाक्टर स्वाति माहेश्वरी प्रतिक्रिया आसी दिल्ली एम्स शुणनवा। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अब बच्चों में फेज 2 फेज 3 ट्रायल करने की अनुमति दे दी गई है। जो भारत का सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने इस तरह की अनुमति अब भारत की कोवैक्सीन को दिया है और अब 2 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में इस वर्ग को लेकर के उनके ऊपर फेज 2 फेज 3 ट्रायल किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये स्वदेशी वैक्सीन उनके लिए कितनी अच्छी है और कितनी सेफ है। देखा जाए तो पहले भी कोवैक्सीन ने ये ट्रायल 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में किया था और उसके नतीजे उनके पास हैं भी और अब वो 2 साल से 18 साल के पूरे वर्ग को लेकर के भारत के 3 एम्स इंस्टीट्यूट
पटना, नागपुर और दिल्ली में ये ट्रायल करेंगे, जिसमें 525 बच्चों को लिया जाएगा और उसके बाद अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो फिर इस वैक्सीन को भारत में बच्चों के लिए भी स्वीकृति मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरह से हम अब बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर भारत में आ सकती है और वो बच्चों को ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं कि उनको प्रभावित करेगी, ऐसे में अगर हमारे पास जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन हो तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा उपलब्धि हम जिते आम पाखे पिला टीका रहा सहित आलोचना करने सीधासलख सामिल होती डाक्टर मानस दास, शिशु रोग शल्य विशेषज्ञ। सर, स्वागत करुच्छे आपण को नंदीघोष टीवी को। आपण पूर्वर मध्य प्रथम पर्यायर भी आम आलोचना करें विभिन्न प्रसंग में आलोचना करूँ बर्तमान समय यू द्वितीय पर्याय संक्रमण जो थे WHO रे रिपोर्ट कहूँ फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मास सुधा 24% शिशु संक्रमित होती एक आशंका प्रकाश पाँच सेप्टेम्बर मसरे जदि तृतीय लहर आसूरी से अधिक मात्रा रे शिशु संक्रमित होबार संभावना रही। एभली स्थित आज यूँ खबरटी आसूँ भारत बायोटेक को दि जा अनुमोदन कर द्वितीय और तृतीय पर्यायर ट्रायल आपण कि भाव में देखुं वास्तविक ये कथा केते दूर प्रभावी सब्यस्त हो पार कोरोना संक्रमण को रोकवा दिगरे। निश्चय भावे प्रथम वेब जितेबले आसला सेतेबले इंडिया आउ बाहर कंट्री सबुर जो डाटा देखा जाए से बेसी पिला माने के संक्रमित हो नथिले किंतु ए द्वितीय वेब रे देखा जाउची जन्म हिला पिला ठू बड़ पिला मध्ये एथरे संक्रमित होउचंती आउ ए एज ग्रुप रे ए वेब रे देखा जाउची जे जेते जो माने वैक्सीनेशन नहीं चंती तांकर सिवियरिटी बा रोग अधिक अत्यधिक बढ़ी जीवार ए सब टिके कम होके अच्छी और से माने जल्दी शीघ्र रिकवरी करुचंती तेणु से पिला मानक जदि भी आमर ए पॉपुलेशन 30% अफ द जेते टोटल पॉपुलेशन 30 भाग पिला माने अछंती तथापि पिला मानकर इम्युनिटी जेहेतु जदि भी देखा जाछि जे कोविड कॉम्प्लिकेशन बा कोरोना जनित कॉम्प्लिकेशन तांकर कम तथापि एमानकर रोग होबार बहुत एमाने इफेक्ट होबार बहुत पॉसिबिलिटी रही आ वर्तमान किछि किछि रोगी मध्य पिला मध्य एबे एडमिशन होचंती एवं सिवियरिटी की जाउचंती तेणु आपई केवल सबुठु चिकित्सा तो अछि किंतु आपई जहार सबुठु इम्पोर्टेंट खबर होची सेटा होची वैक्सीनेशन तेणु भारत सरकार जो आज वैक्सीनेशन पई जो कोवैक्सीन भारत बायोटेक को परमिशन देखिए बहुत स्वागत योग्य निश्चित भाव में यह निश्चित स्वागत योग्य। डॉक्टर दास आउ गोटे कथा आप दक्षिण ओडिशा सबुठू बड़ हस्पिटाल कार्य कर पूर्व कटक शिशु भवन में भी आप कार्य वर्तमान समय ये द्वितीय पर्यायर एपर्तंत आपण सेम केस आसला कि पिलांर जे कम्प्लिकेसन कोविड कम्प्लिकेसन रहा ट्रिटमेंट शैली किसी अलग अच्छी ना बड़ मान जमी चिकित्सा प्रणाली रही कौन सब से भिन्नता रही। वर्तमान सुधा आमे पूर्वथर के पिला कोविड संक्रमण होगा देखी नथिलु किंतु वर्तमान पिला माने आमे कोविड संक्रमित होगा देखुचु पिला मानंकर निमोनिया रे प्रेजेंट करुचंती किंबा किछि न थाय कि मध्य जो माने कोविड पॉजिटिव मदर बेबी डेलीवरी कले से माने भी पॉजिटिव आसुचंती तेणु आमे वर्तमान पिला को निमोनिया किंबा छोट पिला निमोनिया मध्य पाउचु जहाँ को कि कोविड पॉजिटिव मदर को द्वारा जन्म होते कोविड एंटीबॉडी बा एंटीजन तांकर आमे डिटेक्ट करी पारुचु माने आरटीपीसीआर किंबा आमर जो एंटीजन टेस्ट रे मध्य से माने पॉजिटिव पाउचंती जोटा कि पूर्वथर वेव रे आमे केबे देखिया को पाइ नथिलु। किंतु सर आउ गोटे कथा है एथर एपर्यंत तो स्टडी सामना को आसनी जेहेतु जो वैक्सीन दि जाऊँगी ता कौटना कौटी गर्भवती महिला बा जो माने स्तन्यपान करूछन्ति महिला से मानकु एपर्यंत दि जाऊना गाइडलाइन स्पेसिफिकली ए प्रसंग में किसी आसनी एभली स्थित जो पिला माने आसुछन्ति कोरोना संक्रमित होती वर्तमान समय पिला कि भाव में आपड़ नियंत्रण में रखिए संक्रमण ठूँ दूरे रखिए से आपंकर परामर्श कौन रहा जदि पिला विभाग करवा दुई प्रकार ग्रुप्स आसो गोटे चिल्ड्रेन पेडियाट्रिक ग्रुप्स आउ गोटे जन्मला छुआ ग्रुप पिला जब देखा छोट पाने कंट्रोल करने जदि गोटे
पिला पॉजिटिव बा कौन थंडा काश सर्दी एपर्यंत होला किमा घरे जदि से अन्य लोक माने केही संक्रमित होले ताहले पिला को अलग रखिया व्यवस्था करा जिबा दरकार। विशेष करी सेही समय रे पिला जदि अति छोट पिला थिबो ताहले तांको मां सहित रहिबा दरकार, तेणु सी तांकर प्रॉपर मास्क पिंधे पिलार केयर ने, कारण वर्तमान भी आमर दुई वर्ष पिलांक पर्यंत मास्क नाही, दुई वर्ष पर पिलांक पर्यंत मास्क दिया जाउची। तेणु एडोलेसेंट बा बड़ पिला हेले तांकु आइसोलेशन रखी हबो, अन्य मानकु दूर रखी हबो, हाउ जहाँ बड़ मानक सेटा पिला मानक मध्य, तेणु बेसी लोकंक संपर्क आसिबानी, जोटी गहली जगह को जाउचंती सेठी की जीवाकु छाड़िबानी, सेटा होउची मुख्यतः इम्पोर्टेंस रहिची। आउ बाकी हैंड हाइजीन रखिबा छोट पिला बा जो जोडा जन्मजात पिला जो माने जन्म होचंती बहुत लोकंकर स्पर्श न करबा को देखबा उचित, जे से माने का बहुत लोकंकर संपर्क रे न आसंतु। आज्ञा आज्ञा आज्ञा, ये कथा निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण, कारण आम जो आमर जो गोटे रही मानसिकता जे बहु लोक धरवा भल सेलिब्रेशन करवा एवं तो लॉकडाउन जारी रही। सर आउ गोटे कथा जानापी चाहूँगी, ये 525 सब्जेक्ट बा जो स्वेच्छासेवी कहुच्छी पिलांक क्षेत्र में आपको लगुच कि वैक्सीन ट्रायल डिफिकल्ट एवं पिलांक क्षेत्र में बहु प्रकार समस्या रही था, ये कथा को एवं ये जो ट्रायल को आप कि भाव में देखती बा मेडिकल लैंग्वेज कौन कहूँ जितेबाला जेकोसी वैक्सीन आम पिलांक उपरे ट्रायल करती तार चैलेंज केते थाय इन कंपैरिजन टू एल्डर्स। प्रथमतः होची पिलांकर पिला जेहेतु स्वतप्रभुत भावे निजर कनसेंट देबे नाही, तेणु गोटे इन्यूट्र बहुत बड़ रोल अच्छी से पेरेन्ट्स मानक कनभीन्स करके पिला मानक वैक्सीन ट्रायल रे इनक्लूड करेंगे सेटा निश्चय गोटे बड़ कष्ट व्यवसाय, किंतु ट्रायल करिवापई हेले सेटा को कनभीन्स करिया को पड़िबो, आ जो माने कनभीन्स हेबे बा कनसेंट देबे से मानक आमे ट्रायल ले नै परिबा। ये गोटे बड़ दिग जो मानक ट्रायल रे जो मानक सामिल करवा से स्वेच्छाकृत भाव में केवी आसबे तेणु तक बापा माँ को सेक कन्विन्स कर आवश्यकता रही है। आउ गोटे कथा बर्तमान समय या पूर्व जी आम देखा भारत बायोटेक 12 वर्ष रु अधिक अर्थात 12-18 पर्यंत पिला से ट्रायल करते रिपोर्ट्स रही, किंतु जो 2-12 ये फैक्टरटी रिस्क रही ना स्वाभाविक भाव में एत रिस्क रहा निश्चय सेटा धीरे धीरे ग्रेजुअली आम जो ग्रुप रो कारण छोट पिला मानकर कोविड संक्रमण रो येटा कम इन्फेक्शन होबाटा कम कारण कोरोना वायरस इन्फेक्शन होबार कम कारण तांकर गोटे रिसेप्टर रो मैच्युरिटी न थाए तछड़ा किछि इनेट इम्युनिटी पाइथांती तांकर बाहर लोक मानकर सहित इंटरेक्शन कम थाए आउ तांकर इम्युनिटी रो ओवर रिएक्शन जो जोटा साइटोस्काइन स्टॉर्म ना रे कहउचंती किंबा अधिक शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक प्रकाश होता पिलामानकर कम थाए, तेणु वर्तमान जो पैंडेमिक रे आमे वर्तमान भी जानिनु जे पिलामानकर केमिति कौन होची कौन सी स्टडी नाही पिलामानक उपरे, वर्तमान भी आम पिलामानक विषय में बहुत जानिया पई चाहूचु, नुआ स्टडी चली नुआ नुआ रिसर्च डेली एड होची, तेणु वर्तमान कौन सी आम कहीपरबानी जे पिलामानकर कौन हम, तेणु जहाँ जहाँ बड़ लोकों क्षेत्र में जी वर्तमान देखी आसी आम अनुमान करी से अनुसार जीवा, जेहेतु वर्तमान गोटे ग्रुप को 12-18 मोर भनरेबुल से ग्रुप को इनक्लूड करागला निश्चय तापर पुणी छोट शिशु मानक निश्चय इनक्लूड करा पुणी कनसीडर करशा कर निश्चित भाव में यही समय मध्य आहरी गोटे दुटी कथा जानवर आवश्यकता रही है जो मैंने नंदीघोष टी देखुं जेहतु आप शिशु भवन में रही बर्तमान एमकेसी अच्छा दक्षिण ओडिशार सब बड़ मेडिकल एभली स्थित जो गर्भवती महिला जो मैंने वर्तमान जो मान अर्थात पिला जन्म करार समय यही मसगला जो मैंने यही संक्रमण द्वितीय लहर भितर दे जाऊँगी स्पेसिफिक किसी आडभाइस रही कि संक्रमण ठूँ दूरे रे जदि से हस्पिटाल जाने से संभावना बढ़ुची निश्चय आज्ञा आज्ञा से दिगटी कौन निश्चय वर्तमान गोटे प्रोटोकॉल बा नियम करा जाउची जहाद्वारा गर्भवती महिला मैंने केमिति सुरक्षित भाव में पिलाटी जन्म करें जहाँकि कोविड पॉजिटिव हम ना निज गर्भवती महिला कोविड पॉजिटिव हम ना, तेणु तार प्रिकॉशन मध्य निजे गर्भवती महिला मैंने जहाँ जहाँ बेसिक प्रोटेक्शन आम बड़ लोक मैंने नौचु मास्क पिंधा हाथ धोवा
क्राउड को नजा से गर्भवती महिला मैंने फॉलो करेंगे पर्टिकुलरली हॉस्पिटल को जो हॉस्पिटल रे डिलीवरी कर हॉस्पिटल भी से सचेतन हवा दरकार जो जो से प्रकार कंटामिनेशन बा ट्रांसमिशन न हो समस्ते मास्क पिंधा दरकार ड्यूरिंग डिलीवरी कारण शिशु को जितेबले इन्फेक्शन हुए ता मोस्टली माँ पितर रक्त जाए ना डेलीवरी बेले जाए बा जितेबले पिला जन्म हुए से जाए तेणु से मास्क पिंधा जरूरी आई समय से एनवायरमेंट जमी ट्रांसमिशन न हो से ध्यान देवा दरकार आदि तापूर्वर मदर टेस्ट बा आरटीपीसीआर हो कि आंटीजेन टेस्ट हो निश्चय कन्फर्म करवा दरकार जे माँ कोविड पॉजिटिव अच्छा ना ना थी ताप अलग प्रिकॉशन नवा दरकार निश्चित भाव ये दुईट अति गुरुत्वपूर्ण कथ ये गत थर आम एक कथा भी आलोचना करते आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी भारत में ह्यूमन ट्रायल पर भारत बायोटेक कोवैक्सीन जो आवेदन कर 2 वर्ष रु 18 वर्ष बयसर पिलांक उपरे ट्रायल करने अनुमति प्रदान करिसंती पिलांक उपरे परीक्षण समय सुरक्षा और तार प्रभाव को अधिक गुरुत्व दिजिव तीनोटि स्थान में परीक्षण कर 525 वॉलंटियर्स से नियोजित हेबे एवं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी भारत में ट्रायल पर अनुमोदन करने एक आशा संचार होई जो पिला सबुठ अधिक जो कैटेगोरी गुरुत्वपूर्ण जे से वैक्सीन आसुन एपर्यंत विभिन्न प्रकार गवेषणा चली संभवतः आगामी दिन में ये चित्र स्पष्ट होती क्षेत्रटी अत्यंत संवेदनशील और गुरुत्वपूर्ण बोली एवं भारत में संक्रमण दिनकू दिन बढ़िवार लगी उत्तर प्रदेश प्रत्येक पंचायत प्रत्येक गाँव में संक्रमण बढ़ला भारत में गत 2 दिन धरी संक्रमण कमुला आज पुनर्वार बढ़ुच्च 4000 अधिक मृत्यु संख्या देखा मिली स्वाति माहेश्वरी प्रतिक्रिया आज शुणनवा तापर डाक्टर मानस दास आम सहित सामिल हे आम आलोचना कर प्रतिशत के ज्यादा है। भारत में इस वक्त 13 ऐसे स्टेट हैं जहां की 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इस तरह से हम देखें तो भारत में कोरोना की जो लहर है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश एक देश से दूसरे देश जा रही है यानी कि एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रही है और यही चिंता का विषय है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो अभी भी टूटा नहीं है और ऐसे में संक्रमण जो है दूर ऐसे इलाकों में पहुंचना शुरू हो गया है जहां काफी ऐसी जनसंख्या है जिनको कि कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है और ना ही उनको वैक्सीन मिली है। ऐसी सूरतों में उनके उनमें संक्रमण और तेजी से फैलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और यही हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। पिछले कुछ दिनों में जो राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया है उसके कुछ नतीजे जो हैं वो आते हुए दिख रहे हैं, कुछ संक्रमण की संख्या भी कम होती दिख रही है, लेकिन अब हमें किसी न किसी तरह से अपने गांव और कस्बे का जो इलाका है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत होगी और वहां के लोग किस तरह से हेल्थ के लिए अपने लिए मेडिकल अटेंशन उन्हें मिलेगी इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा कि क्या वहां जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं CHC हैं उनको हम कितना स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक कथा मध्ये से उल्लेख करुथिले जे वर्तमान स्वास्थ्य भित्तिभूमि आउ एक बड़ दिग डाक्टर मानस दास समस्त अछंती शिशु रोग शल्य विशेषज्ञ डाक्टर दास आउ गोटे कथा हला वर्तमान समय जो पिलांकर जेतेबेले संक्रमित समान होउछंती समानकर चिकित्सा आपण कहउथिले ए जो समानक पई आमर जो भित्तिभूमि बा पेडियाटिक्स जो विभाग सब रहिछि स्वास्थ्य भित्तिभूमि ओडिसा रे किभलि भाबर रहिछि एवं केते परिमाण रो आम पाखरे ताकू आमे गत वर्ष भितरे बढ़े पारछंती एवं सारा भारत रो स्थिति जदि आपण अनुध्यान करिवे सेई क्षेत्रटी केते संवेदनशील वर्तमान जेहेतु शिशु मानक कोरोना नहीं निमोनिया ही पिला प्रेजेंट कले तेणु वर्तमान न्यू जन्म है जन्मजात शिशु आसुचंती कोविड हॉस्पिटल जो माने मदर पॉजिटिव अच्छी से माने मध्ये आसुचंती आउ ता सहित आमे भी किसी देखिलु जोटा सर्जिकल आनोमाली किसी ऑपरेशन जातीय प्रॉब्लम रो था शिशु मानक जो मानकर मदर कोविड पॉजिटिव होती स्पेसिफिकली एसएनसीयू रो गोटे पार्ट जोटि कि आईसीयू रो गोटे पार्ट को अलग कर जो थे जो सस्पेक्टेड कोविड पॉजिटिव मदर किंबा कोविड प्रूवन होता बेबी से मानक अलग रखा जामी गोटे बाकी कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल रे जमी बड़ लोक मानू पीपी किट पिंधा N95 मास्क पिंधा आईपरी केयार नवा करापरी पानपरी जत्न नि तेणु ग्राजुआली जदि नंबर ऑफ केस बढ़े से अनुसार प्रस्तुत बढ़ सबू हस्पिटाल से अनुसार प्रस्तुति करेंगे
निश्चित भाव में ये कथा जदि संख्या बढ़िबो ताले प्रस्तुति से अनुसार बढ़िबो। आउ गोटे कथा आम जो जो आपत कहले जड़े जदि वैक्सीन नहीं संभवतः सेमकर सीवियरिटी कम हम से संक्रमण खूब शीघ्र रिकवरी हो पिला क्षेत्र में जब वैक्सीन आसूची तेज पिला क्षेत्र में दिगटी को कारण एपर्त भारत में भाई स्थित देखा मिलनी कि ब्राजिल है इंग्लैंड है प्रथम पर्यायर इटाली कथ उल्लेख करते शिशु सब से सब देशगुड़ अधिक संक्रमित होते कितने मात्र द्वितीय पर्यायर होती एभली स्थित वैक्सीन नाप सेम जहाँ बड़ लोकों पाखे आम देखुं पिला क्षेत्र में सेमती रही देखिया को गले कोरोना जनित जो कोविड इन्फेक्शन पिला मानक सीवियर टाइप रे इन्फेक्शन मॉडरेट टू सीवियर 3-5% रोची तेणु बेसी से जनित रोग रोना के बहुत जन निमोनिया देखिए प्रेजेंट करुँचे अल्प किसी जमी सर्दी खास थंडा आउ कि अति सीरीयस प्रेजेंट कर आउ कि स्किन रे रैश होगा लाल लाल दाग कर फली जावा से प्रकार गोटे सिस्टमिक इनवॉल्वमेंट डायरिया हवा सीवियर वोमिटिंग से प्रकार प्रेजेंट करथापि ए विषय गुड़ा बर्तमान बहुत कम डाटा रही आहरी स्टडी गोईंग अन् कारण छुआ मान एते प्रकार रैंडमाइज स्टडी होना सबकि तेणु आम शिखुचु भी पाई कौन कौन करूँ बेसिकाली बर्तमान जो स्थित एडल्ट मान जो प्रकार मैनेजमेंट से ही मैनेजमेंट को निया चला जा माइल्ड मॉडरेट माइल्ड केसेस रे खाली पारासीटामल दि जाऊँ ज्वर जदि आसो कि ज्वर थे आउ रेस्पिरेटरी रेट बा निश्वास प्रक्रिया को जांच करने कहुच्छ सेपरी मॉडरेट केस जितेबाला अति सीवियर होती पारासीटामल सहित एंटीमाइटिक आइवरमेक्टिन ए सब जिन भी दिया जाउछि आउ गोटे बड़ दिग रहा डाएट पिलांकर खाइबा बर्तमान समय जहाँ रेगुलर रही थिला कोरोना समय जो आम देखुछु द्वितीय पर्यायर संक्रमण हुए तो परिवार रो के व्यक्ति संक्रमित होती पारती पाख पड़सा संक्रमित होती पारती एभली स्थित बापा माँ गोटे बड़ दायित्व रही पिलांकर खाद्य प्रक्रिय जो डेली चार्ट रे किछि कौन से माने रखिबे कौन आपण एडवाइस दउछन्ति बर्तमान यही लॉकडाउन टाइम रे पिलांकर मानसिक स्थिति परिवर्तन होइछि वर्तमान स्कूल बंद हो जाइछि पिला माने घरे बसछन्ति पिला माने बे ओबेसिटी रो शिकार ओबेसिटी बढ़िबार लागिछि ता सहित पिला माने बाहर को एक्सपोजर पाउ नहंती खेलकूद दौड़ा धा सब बंद होगा जहाँकि इम्यूनिटी बुस्ट कर सहित खाद्यपेय घरे रहिले अधिका खाद्यपेय खाई खाइबार इच्छाटा हुए तेणु नेचुरली वर्तमान बापा माँ बहुत रोल अच्छी पिला माने मन को जगिबा दरकार ता सहित से माने केमिति ऑनलाइन पाठपढ़ा सहित निज मन को ठीक कर पारे ध्यान देवा दरकार ता सहित सब प्रकार खाद्य जहाँ नॉर्मली खाऊ फल हो नॉर्मल ग्रेन हो जंक फूड अवॉइड करवा प्रॉपर वाटर इनटेक नबा हैंड हाइजीन नबा आउ ओरल हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करवा सेटा बहुत जरूरी आती वर्तमान स्टेज रे इम्पोर्टेंट आउ जो माने न्यूबॉर्न बेबी से मानकर जदि भी जने कोविड पॉजिटिव मदर हेथिबो तांको ब्रेस्ट फीडिंग करिया पई मना करा जाउ नै ब्रेस्ट फीडिंग से माने कंटिन्यू करिवे आउ रूटीन वैक्सीनेशन को बंद करिवे नै रूटीन वैक्सीनेशन चालू रखिवे। अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा आप परामर्श दे डॉक्टर मानस दास शिशु रोग शल्य विशेषज्ञ आम सहित थिले अनेक अनेक धन्यवाद आपको सर सबुठ बड़ दिग या भितर थिला जे आपण घरे पिला किभली रखिए वर्तमान समय एक तो वैक्सीन आसूची जार क्लिनिकल ट्रायल द्वितीय और तृतीय पर्याय पर अनुमति मिलगला ये 5-6 मास एक प्रक्रिया कारण प्रथम पर्याय पर द्वितीय पर्याय पाखापाखि 1.5-2 मास और तृतीय पर्याय 3-4 मास तेणु मोटामोटी प्रक्रिया को जब आप देखिए तेल 5-6 मास जो कथा कहु अक्टोबर बेलू संभवतः वैक्सीन आसवा नहीं कथा उल्लेख करा या भितर एवं पिला केमी आपड़ घर रखिए लॉकडाउन समय ये गोटे दिग्ला जो माने गर्भवती महिला यही संक्रमण समय से डेलीवरी होने कि भाव में संक्रमित न हो पूरा सब प्रकार प्रिकॉशन बा सुरक्षा को दृष्टि रखी किभली से गर्भपात करेंगे एवं आउ गोटे कथा है जदि भी माँ संक्रमित होती से ब्रेस्ट फिडिंग जारी रखिए सहित वैक्सीनेसन जहाँ पिला रोचे नियमित जारी रखिए सबुरी मूल में जमती आम सचेतन होते मास्क पिंधुले सामाजिक दूरत रक्षा करुले बाहर को बेसी बाहर ना ये सबूत गुरुत्व दवा पिला भाव में
रखा समय हो जाए। लीड स्टोरी को आज ये रखा नमस्कार।